हेलो गाइड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, क्या आप सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है? क्या जल्दी से मुझे ये बताइए, क्या आप सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है? क्या जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से बताइए, क्या आप सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है? क्या मैं सभी के कमेंट देखता हूँ भैया, जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से बता दीजिए, क्या आप सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से शेयर कर दीजिए भैया, जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी के पास आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। तो गाइस, सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, बहुत बढ़िया। सभी लोग आ जाइए भैया जल्दी से, सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया गाइस। चलो सभी लोग गाइस, आप लोगों का अनअकैडमी एसएससी जेईई यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का वेलकम है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम इससे जुड़ सके। गाइस, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो एसएससी जेईई एंड स्टेट एई की तैयारी कर रहा है, 27 तारीख से लेकर 30 जून तक गाइस एक ऑफर चल रहा है 20% का ऑल सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अगर आप 27 से 30 तारीख के बीच में लेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट इससे मिल जाएगा, सिविल गुरु कोड लगाओगे तो। इससे भैया सिविल गुरु कोड लगाने पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 10% आपको गाइस कॉइन्स लगाने से डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% आपको कॉइन्स अपने कॉइन्स अप्लाई करोगे तब। तो कोड कौन सा यूज करना है भैया? सिविल गुरु यूज करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी का लो, किसी भी कैटेगरी का लो, आपको सिविल गुरु ही रेफरल कोड यूज करना है। क्लियर? साथ में गाइस आप लोगों की आरआरबी जेई में भी है ये 20% का ऑफर। आप लोगों के लिए जो एएआई जेई का बैच स्पेशल स्टार्ट करा है, 400 प्लस वैकेंसीज हैं, कंप्लीट नॉन टेक करवाया जाएगा और ये नॉन टेक से आपको एएम तो फायदा होगा ही होगा, इसमें तो सिलेक्शन होगा, साथ में आपका एसएससी जेई का नॉन टेक भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। कोड हर जगह सिविल गुरु लगाना है, ये मेरा कोड है जिससे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्लियर गाइस? एआई का गाइस 3 जुलाई से एक बैच है तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आप मुझे गाइस स्पेशल क्लास भी मेरी देख सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। रोजाना फ्री मॉक टेस्ट होता है आप लोगों के लिए गाइस, फ्री मॉक टेस्ट होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो की प्रोफाइल में मेरी गाइस क्लास का लिंक दे रखा है। यस भैया पेरी सिंह, यस क्लास का लिंक दे रखा है, मतलब सॉरी मेरी प्रोफाइल लिंक दे रखा है। आप उसके ऊपर क्लिक करना और वहां पर आप मुझे सभी लोग फॉलो कर लेना। फॉलो करोगे तो वहां पर अनलॉक कोड पूछा जाएगा, उस अनलॉक कोड में गाइस आपको सिविल गुरु अप्लाई करना है, वहां पर सभी नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज मैं गाइस इरिगेशन इंजीनियरिंग का क्विज करवाऊंगा और मैं चाहूंगा सभी लोग इसका अच्छे से दें, सभी लोग इसको, ठीक है। ये गौरव दास कह रहा है सभी लोग लाइक कर दीजिए, भैया गौरव की बात मान लीजिए, कर दीजिए भैया, सभी लोग, गौरव भी खुश हो जाएगा। चल सभी लोगों के सामने पहला सवाल गाइस, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल, मैं चाहूंगा सभी लोग इसका आंसर दें। और गाइस टारगेट अपना वही रहेगा 100+ लाइक, टारगेट अपना वही 100+ लाइक का रहेगा, सभी लोग कर दीजिए। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आंसर बताते चलो भैया, सभी लोग आग बताते हुए चलो भैया, जल्दी से सभी लोग बताते हुए चलेंगे, सभी लोग बताते हुए चलेंगे भैया। तो आंसर क्या है गाइस, बहुत बढ़िया, फर्स्ट बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल करेंगे गाइस, बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, अगला सवाल करेंगे गाइस। आप लोगों को गाइस ऐसा सवाल DSSB में पूछा जा रहे हैं, ऐसा सवाल DSSB में भी पूछे जा रहे हैं, सभी लोग बताएंगे भैया। वाटर इज रिलीज, बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस, सभी लोग आंसर बताएंगे। वाटर इज रिलीज एट द रेट ऑफ 12 m³/s एट द हेड ऑफ कैनाल ड्यूटी एट द फील्ड 1250। आपको बताना है भैया, वाटर इज ट्रांसिट इज 25%, तो फाइंड द एरिया ऑफ लैंड बताना है आप लोगों को। कुछ नहीं करना, आराम से जवाब दीजिए, कुछ नहीं करना है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल हल्का सा सवाल है,
ऐसे सवाल में गाइज आपको एरिया ऑफ लैंड निकालना है, तो क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है, आराम से हल्का सा सवाल है। डिस्चार्ज इन फील्ड इनटू गाइज आपको क्या करना है, ड्यूटी एट फील्ड। तो गाइज डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, 0.72, क्योंकि 25% तो लॉस हो गया। 0.72 इनटू गाइज कितना, 12, क्योंकि 12 गए ना जिसमें 25% लॉस हो गया, गाइज इनटू 1250। तो इसको सोल्व करोगे आंसर तीसरा आ जाएगा। क्लियर सर? रात को कूलर फेल हो जा रहे हैं, जयपुर में तो नींद भी नहीं है, ऐसा ही हालत है भैया सब जगह। जल्दी से बताइए गाइस, डेप्थ ऑफ वाटर, जाबा सिकंदर उड़ा दीजिए। अरे क्या कमजोर हो क्या भाई, मुझे ये बताइए क्या कमजोर हो। ठोको 100+ लाइक, गर्दा उड़ा दीजिए। ठोको 100+ लाइक और गर्दा उड़ा दो। तो गाइस इसका आंसर आएगा डेल्टा। बहुत बढ़िया, अगला सवाल करेंगे जाबा सिकंदर, जल्दी से बताइए। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर डेल्टा। बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएंगे भैया, जल्दी से बताइए इसका आंसर। वेटेड पैरामीटर बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। वेटेड पैरामीटर उड़ा दीजिए। क्या कमजोर पड़े हुए हैं भैया, ऐसे ऐसे करोगे कैसे काम चलेगा भैया, सभी लोग बताएंगे। तो आंसर क्या आएगा, ए इसका आंसर आएगा। पी बराबर क्या होता है, 4.75 √Q। तो गाइस 4.75 × √64, तो आंसर क्या आएगा, 38 मीटर। बहुत बढ़िया, अगला सवाल उड़ाइए भैया जल्दी से बताइए। ये अभी कल परसों भी आया था। अकॉर्डिंग टू कैनेडी थ्योरी ऑफ फोर चैनल डिजाइन, व्हाट थिंग ऑफ चैनल शुड बी नोन। जल्दी से बताइए क्या कमजोर हो क्या, जल्दी से बताइए भैया। मैं तब तक पीता हूँ पानी, क्योंकि गर्मी है बहुत हैवी मेरे भाई, गर्मी पूछो मत। दिव्या त्रिपाठी सही आंसर दो भैया। सभी लोग बताएंगे भैया, तो आंसर क्या आएगा भैया, डेथ। अगला सवाल करेंगे भैया, मोस्ट कॉमनली यूज सेफ फॉर लाइन कैनाल, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से, जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से। सभी लोग बताएंगे, तो आंसर क्या आएगा गाइस। और अगला सवाल बताएंगे भैया, सभी लोग बताएंगे, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ, इजी सवाल है, जल्दी से बताइए। 8, 9, 10, 11, पता नहीं कितनी बार करवा चुका हूं मेरे यारा, जल्दी से बताइए भैया। तो आंसर क्या आएगा, 4, 11। बहुत बढ़िया, मोस्ट सुटेबल लोकेशन ऑफ कैनाल हेडवर्क इज, जल्दी से बताइए, मोस्ट सुटेबल पूछ रहा है भैया, जल्दी से बताइए भैया, हिंदी मीडियम वालों। तो आंसर क्या आएगा भैया, तीसरा। बहुत बढ़िया, अगला सवाल करेंगे भैया, जल्दी से बताइए भैया, डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला भी सवाल है, जल्दी से बताइए। 10वां नंबर का सवाल है भैया, जल्दी से बताओ 10वें का आंसर। तो आंसर क्या आएगा भैया इसका, ए आंसर आएगा। क्यों, क्यू बराबर सीधा फॉर्मूला होता है, सी इंटू एल इंटू एच की पावर 3/2। तो आंसर क्या आएगा, ए। बहुत बढ़िया, अगला सवाल बताएंगे, 11वां नंबर। सभी लोग बताएंगे भैया, एन ओवरफ्लो डैम इज ऑल्सो नोन एज, ओवन ओवरफ्लो डैम इज ऑल्सो नोन एज। और सभी लोग लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं कर रहे हैं भैया, मजे ले रहे हैं बस, करो जल्दी से लाइक। ज्यादा देखो 50 लाइक, लाइव चल रहे हैं, लाइक 22 कर रखा, अरे भगवान से डरो भाई। अगला सवाल गाइस, एक ग्रेविटी डैम मीन्स, ग्रेविटी डैम का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। ढोल की सवाल है यार, 12वां नंबर का सवाल है, ग्रेविटी डैम जल्दी से बताइए। पूजा कामली, संदीप आरती, स्टडी ऑफ सिविल इंजीनियर, नो, जल्दी से बताइए भैया, संदीप। तो आंसर क्या आएगा भैया, ऑल द फोर्सेस ड्यू टू वाटर वेव अपलिफ्ट। बहुत बढ़िया, सेकंड, बहुत ही बढ़िया। अब ये सवाल गलत नहीं करेगा कोई भी, ये सवाल गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज प्रोवाइडेड व्हेन द कैनाल्स रन बिलो द ड्रेन, ड्रेन के नीचे है कैनाल्स, विद एफएसएल ऑफ कैनाल वेल बिलो द बेड ऑफ द ड्रेन। इससे ज्यादा आसान सवाल क्या होगा,
सभी लोग बताएंगे गाइस। अरे सभी लोग बताओ, तो गाइस सभी लोग बताएंगे, तो देख के पता चल रहा है एक्विडक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैनाल अब वो होता तब तो एक्विडक्ट के बारे में बात करते। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा भैया। सभी लोग बताओ गाइस, मेन कॉज ऑफ वेंडरिंग इज ड्यू टू द, सभी लोग बताएंगे। जाबा सिकंदर उड़ा दीजिए, तू भी बन सकता है सिकंदर, झांक ले दिल से दिल के अंदर, तुझमें भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, बस झांक ले दिल से दिल के अंदर। जल्दी से बता दे भैया, जल्दी से बताइए, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी बताए क्या सवाल की? जल्दी से बताइए, विसर्पी का मुख्य कारण क्या होता है? तो क्या होता है गाइस? आंसर आएगा सेकंड, बाढ़ के दौरान नदी तल छट की अधिकता से उत्पन्न अतिरिक्त अशांति। जल्दी से बताइए भैया, अगला सवाल बताएंगे भैया, कौन सा गाइस प्लांटेशन टाइप ऑफ क्रॉप, क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइए, जाबाज सिकंदरा 15 का आंसर बताइए भैया, उड़ा दीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो भैया जी, कुछ तो कर, ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरा जैसा। अरे कमेंट नहीं दिख रहे क्या? अमितेश के बाद कोई कर ही नहीं रहा है, एक मिनट रुको, हम दोबारा से रिफ्रेश कर लेता है। तो आंसर क्या आएगा भैया? टी। अगला सवाल गाइस, हाईएस्ट इरिगेशन इफिशियंसी, 16 का आंसर बताओ, हाईएस्ट इरिगेशन इफिशियंसी। जल्दी से बताइए भैया, कौन सा मेथड यूज करोगे भैया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भैया। तो आंसर क्या आएगा? ड्रीप। बहुत बढ़िया, अगला सवाल उठाइए जल्दी से, ड्यूटी बताइए। और ये सवाल डी ट्रिपल एस बी में भर भर के आ रहे हैं कि ड्यूटी बताओ, डेल्टा बताओ, उड़ा दीजिए जल्दी से। माई मेरी क्या फिकर तुझे, किस बात का दरिया बहता है, तू कहती थी चांद हूं तेरा और चांद हमेशा रहता है, तो उसी चांद की तरह आपको चमकना है और अपने उनके सपनों को उजागर करना है। तो भैया ड्यूटी निकालना है, तो 8.64 b बाई डेल्टा, ये लो भैया, तो 8.64 b कितना है? 110। डेल्टा कितना है? 0.9। तो गाइस 1056 हेक्टेयर क्यू में का आंसर आ गया, 1056। तो आंसर क्या आएगा? 4। अगला सवाल जल्दी से बताइए, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी इज ऑल्सो नोन एज, पता नहीं कितनी बार करवा चुका हूं, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी इज ऑल्सो नोन एज, बताइए भैया। तो आंसर क्या आएगा? हाँ योगेश जी, तो आंसर क्या आएगा? फुल सफिशेंट कोफिशेंट, फुल सप्लाई कोफिशेंट, विद एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर यील्ड ऑफ द क्रॉप, अगर आप पानी दिए जा रहे हो खेत में तो क्या होगा? तो ज्यादा फसल होगी, कम फसल होगी, क्या होगा भैया? जल्दी से बताइए। तो सबको पता है ये ढोल को पानी देते जाओगे, ये देते जाओगे, शुरू में अगर आप ऑप्टिमम तक पहुंच गए, उसके बाद अगर फिर भी आप पानी दिए जा रहे हो, तो उसके बाद आपको अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी भैया। तो आंसर क्या आएगा? 4। इंक्रीज सर्टेन लिमिट देन डिक्रीज। क्लियर गाइस? अरे ढोल की सवाल था ना, अब ये सवाल कोई भी गलत करेगा ना वो गया। वाटर द कैनाल अलाइन ऑन द नेचुरल वाटर शेड लाइन इज कॉल्ड, अब ये सवाल जो गलत करेगा वो गया काम से, वो काम से गया, वो काम से गया भैया। यहां पे वाटर शेड की जगह मैं क्या रिज लाइन भी लिख सकता हूं? रिज लाइन भी लिख सकता हूँ यस। तो गाइस रिज लाइन क्या होती है? टॉप मोस्ट पॉइंट, जो टॉप मोस्ट एलिवेशन वाले पॉइंट होते हैं उनसे गुजरने वाली। तो आंसर क्या आएगा? वाटर शेड कैनाल। अगला सवाल बताओ रे ढोल को, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू ए ट्रू रेजाइम, ट्रू रेजाइम के लिए जल्दी से बताओ गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू ए ट्रू रेजाइम, गाइस जल्दी से बताइए। थैंक यू पंडित भाया। तो आंसर क्या है? कैनाल हैज बीन बी स्कोर्ड मोर इजिली, बिल्कुल। अगला सवाल बताएंगे भैया, गाइस ये सवाल जो भी गलत करेगा वो गया काम से, सीधा गुप्ता एंड गुप्ता मा से है। गैरेट डायग्राम गिव द ग्राफिकल मेथड्स ऑफ डिजाइनिंग ए चैनल बेस्ड ऑन, जल्दी से बताएंगे भैया। तो बहुत बढ़िया, कैनेडी बाबा आएगा, बहुत ही उम्दा। अगला सवाल, ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑफ एन एरिया, ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑफ एन एरिया क्या होगा मेरे भैया? जल्दी से बताइए आंसर।
और फिर नौकरी में लगकर कमाइए रुपया। तो गाइस क्या होगा भैया जी, क्या होगा, सोलर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कूल कर जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ सिल्ट एंड प्रिवेंट रिवर फ्लड्स फ्रॉम एंट्रिंग इनटू द मेन कैनाल। अरे यार ये भी कोई सवाल है क्या? तो आंसर क्या आएगा भैया, हिंदी क्या लिखी गई है इसकी, निम्नलिखित में से कौन सी सिल्ट के प्रवेश को नियंत्रण करता है और नदी की बाढ़ को मुख्य नोर में मुख्य नहर में प्रवेश करने से रोकता है। तो आंसर क्या है, हेडवर्क, बिल्कुल आसान है। अगला सवाल गाइस जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से बताइए, ये मैं ऑलरेडी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, सभी लोग बताएंगे भैया। यदि चैनल की चौड़ाई शिखा की लंबाई के बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया, तो उसे बोलते हैं कंप्रेस्ड वियर। बहुत बढ़िया, सीधी डेफिनेशन बेस्ड सवाल आ रहे हैं। अगला सवाल, द स्टोरेज ऑफ वाटर बिलो द बॉटम ऑफ द लो, गाइस मैं तो सवाल भी नहीं पढ़ूंगा, जल्दी से बताइए, लोवेस्ट स्लूज वे इन ए रिजर्वायर इज कॉल्ड। बिल्कुल आसान भैया, सभी लोग बताएंगे द स्टोरेज ऑफ वाटर बिलो द बॉटम ऑफ द लोवेस्ट। तो आंसर क्या आएगा, इसी शब्द से समझ में आ जाना चाहिए, डेड स्टोरेज। बहुत बढ़िया, अगला सवाल भाई, अकॉर्डिंग टू खोसला द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ सरफेस फ्लो। बहुत प्यारा सवाल है, स्टार लगाइए और वीडियो को लाइक, तो भैया 100 प्लस लाइक तो पहुंचाना है, 100 प्लस लाइक नहीं पहुंचाओगे तो हम नाराज हो जाएंगे आपसे, और सभी लोगों को लाइक करते रहना है, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। तो आंसर क्या आएगा गाइस, ए, सबको पता है गाइस जी बराबर क्या होता है, एच बाई डी इंटू वन बाई पाई रूट लैम्डा, और लैम्डा बराबर होता है वन प्लस अल्फा स्क्वायर बाई टू, और अल्फा बराबर होता है बी बाई डी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बी बाई डी रेशियो के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और एच बाई डी रेशियो के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो गाइज यहाँ पे बी बाई डी की जगह अगर एच बाई डी भी लिखा होता तब भी सही होता, और बी बाई डी लिखा हुआ है तब भी सही है, ठीक है, याद रखना ये सवाल। अब जो भी गलत करेगा वो गया काम से। ए क्रॉस ड्रेनेज वर्क इन विच कैनाल इज प्रोवाइडेड ओवर द ड्रेनेज से ऊपर कैनाल है, तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। तो आंसर क्या आएगा, ढोल को अब तो पढ़ा चुका हूं, अब तो पढ़ा चुका हूं ऐसे सवाल करने, अब तो उड़ा दीजिए कि अभी भी पैसे लोगे क्या इनको सही करने के, मुझे ये बताइए, ये अब तो उनको उड़ा दीजिए भाई, या नहीं करोगे सही इसको, पता है नहीं आप लोग भाई अगले साल करोगे क्या अब सही इनको। तो आंसर क्या है, एक्यूरेट, बहुत बढ़िया, फोर्थ नंबर, सभी लोग करेंगे भैया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। अगला सवाल सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताइए भैया जल्दी से, हिंदी मीडियम वाले गाइस, अस्थाई स्कंद को खालिस्तान कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे, टेम्परेरी स्पर्स आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड गाइस, क्या आंसर आएगा, सभी लोग बताएंगे बाबू, बहुत बढ़िया, तीसरा मंच, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये तो फर्जी सवाल है, जो भी गलत करेगा उसके घर कॉल कर दूंगा, जल्दी से बताइए, द डिफरेंस लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ द कैनाल बैंक एंड सप्लाई लेवल इन ए कैनाल इज टर्म एज, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भैया, सीधी डेफिनेशन लिखी गई है, अगर आप भी अभी भी ये सही नहीं कर पा रहे तो लोचाइए भैया। तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे भैया, फ्री बो, क्या बोलेंगे, बहुत ही बढ़िया, नथिंग, बहुत ही बढ़िया, नथिंग भैया, बहुत बढ़िया, एक बार सवाल तो पढ़ लीजिए, कुछ भी आंसर दे रहे हो यार। अगला तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्री बो। अगला सवाल गाइस, इन केस ऑफ गाइस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी द मोस्ट सुटेबल स्पेल वे इन दिस कंडीशन, मोस्ट सुटेबल स्पेल वे इन दिस कंडीशन इज, ये आपको पता होना चाहिए भैया,
सबकी सुटेबिलिटी पता होना चाहिए आपको, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर भेज रखा है भैया। तो आंसर क्या आएगा गाइस? बहुत बढ़िया, सॉफ्ट आएगा, सॉफ्ट आएगा गाइस। कई लोग डी दे रहे हैं, अरे ये सुटेबल होता है फॉर ग्रेविटी डैम्स, ओके स्पिलवेज सुटेबल होता है ग्रेविटी डैम्स के लिए, आर्च डैम के लिए, इनके लिए सुटेबल होता है मेरे भाई, डी आंसर क्यों दे रहे हो? अगला सवाल, मोस्ट सुटेबल गाइस इरीगेशन फॉर एरियाज हैविंग लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इज फरो, स्प्रिंकलर, ड्रिप, कंटूर फार्मिंग। जल्दी से बताइए, ढोल को उड़ा दीजिए, या जाबाज सिकंदर है आप, कमजोर हैं क्या? उड़ा सकते हो आप दुनिया को। तो आंसर क्या आएगा? ड्रिप इरिगेशन। तो आंसर क्या आएगा? ड्रिप इरिगेशन। अगला सवाल, जितने स्टार लगाओ लगा लीजिए, द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर ए गिवन क्रॉप इज मैक्सिमम, कहाँ पे ड्यूटी मैक्सिमम होगी बताइए प्रभु। कुछ कर ऐसा जय भीम भाई, कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरा जैसा, कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरा जैसा। तो फील्ड में जाओगे, फील्ड की तरफ जाते जाओगे ड्यूटी इंक्रीज होती जाएगी गाइस। फॉर द डिजाइन ऑफ लाइन कैनाल द फॉर्मूला कॉमनली यूज, कैनेडी, लेसी, मैनिंग। जल्दी से बताइए भैया, अरे ये तो बता दीजिए। अब ये सवाल भी गलत होंगे जब तो हो लिया उद्धार आप लोगों का और हमारा। बहुत बढ़िया दिनेश जी, तो आंसर क्या है अगस्ती? मैनिंग फॉर्मूला। अगला बताइए, अकॉर्डिंग टू कैनेडी नॉन नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड, सभी लोग बताएंगे भैया, बताओ जी में क्या शर्म है भैया, जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। तो आंसर क्या आएगा भैया? क्रिटिकल वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, अगला सवाल। अगर अब ये सवाल गलत हो रहे हैं ना, पढ़ा चुका हूं तो गए काम से, खुद ही पढ़ो। ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्टेड व्हेन ए फुल सप्लाई लेवल एफएसएल ऑफ कैनाल इज मच हायर देन, मतलब एचएफएल से बहुत ज्यादा ऊपर है, मतलब एफ एस एल ऑफ द स्ट्रीम विच इज टर्म इज लोअर देन द डेप्थ ऑफ द कैनाल थ्रू सच ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। अरे प्रभुओं ये तो बता दीजिए यार, ये कह रहा है कि एक हाइड्रोलिक संरचना का निर्माण तब किया जाता है जब एक नहर का पूर्ण आपूर्ति स्तर एफ एस एल धारा के उच्च बाढ़ स्तर से बहुत अधिक होता है, यानी क्लियर डिफरेंस है प्रॉपर, और कैनाल ऊपर भी है। तो आंसर क्या आएगा गाइस? एक्वेडक्ट। बहुत बढ़िया, अब तो ये सवाल समझ में आने लग गए ना, अरे अब तो ये सवाल होने लग गए ना, क्योंकि इसमें कैनाल ऊपर है मैं बता चुका हूं, अब तो ये सवाल होने लग गए ना आप लोगों से। अभी भी नहीं होते तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता यार, सभी लोग बताएंगे गाइस, ये तो हो चुका ना, सभी लोग बताएंगे। ये सवाल भी काफी बार पूछा जाता है, जल्दी से बताइए, एग्जाम में आता रहता है, बताओ भैया, सभी लोग बताएंगे। भैया जी उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए जी, उड़ा दीजिए, या क्यों कमजोर हो, जल्दी से उड़ाइए, जल्दी से उड़ा दीजिए दोस्तों, उड़ा दीजिए। तो आंसर क्या आएगा भैया जी? आंसर क्या आएगा भैया? 300। कैसे फॉर्मूला होता है? DW बराबर, यानी सभी लोगों को पता है भैया, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोरेज बराबर गामा डी बाई गामा डब्ल्यू डी इंटू एफ सी माइनस पी डब्ल्यू। हेलो गाइज, अभी क्लियर हुआ क्या? गाइज अभी क्लियर हुआ क्या भाई? केवल मुझे ये बता दीजिए, अभी क्लियर हुआ क्या? गाइज अभी क्लियर हुआ क्या? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो जाता है भैया, धैर्य रखें, इतनी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो जाता है हर जगह, तो आप उसमें यार इतना मत वो हो जाइए, टेक्निकल इश्यू होता रहता है। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे भैया, सभी लोग इसका आंसर बताओ जल्दी से।
सभी लोग इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या आंसर आएगा भैया? 0.85 का स्क्वायर बाई 140 की पावर 1/6, सोल्व करना आंसर आ जाएगा, क्लियर। अगला सवाल बताएंगे सभी लोग, द यूजफुल स्टोरेज, जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका, सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग बताएंगे भैया, तो आंसर क्या आएगा भैया? मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल। अगला सवाल बताइए, क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, जल्दी से बताइए भैया, सभी लोग बताएंगे जी, सभी लोग बताइए, कोई बड़ी बात नहीं है जी, सभी लोग बताइए, तो आंसर क्या आएगा? यील्ड ऑफ क्रॉप, फर्स्ट आंसर, बहुत बढ़िया, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अगला बताइए भैया, अभी मैंने जस्ट इसका आंसर बताया था, सभी लोग लिखिए, आप लोगों को बताना है भैया, अभी तो बताया था जस्ट ये सवाल, फिर गलत कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा बताइए, फिर गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, बताइए जी, अगर आप गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो बताया था जी बराबर एक्सिस ग्रेडियंट बराबर एच बाई डी 1/π√λ, लैम्डा बराबर क्या बताया था? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2, अल्फा बराबर क्या बताया था? p/d, क्लियर गाइस। अगला सवाल बेसिक सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या आंसर आएगा? सभी लोग आंसर ही टाइप करें, ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा। अगर आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ द इरीगेशन वाटर इज 11, देन इट इज क्लासिफाइड एज, तो आंसर क्या आएगा भैया? तो आएगा मीडियम सोडियम वाटर, क्योंकि सभी को पता है टेबल कि 0 से 10 होता है जब लो होता है, 10 से 18 होता है तो मीडियम होता है, 18 से 26 में हाई होता है, और ग्रेटर देन 26 में वेरी हाई सोडियम होता है, तो आंसर क्या आएगा बी, क्लियर गाइस। अगला सवाल ये दोबारा से आ चुका है, सेम सवाल गाइस, मिनरिंग ऑफ ए रिवर इज ड्यू टू, सभी लोग बताएंगे गाइस, सेम सवाल दोबारा से आ चुका है, जितने भी स्टूडेंट है सभी लोग अच्छे से आंसर देंगे, सभी लोग दे दीजिए गाइस, सेम सवाल दोबारा से आ चुका है यार, अब तो बताइए, सभी लोग बताएंगे भैया, मीडियम वाला तो गया, अब आगे का बताइए भैया, तो आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया सी, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अगला बताएंगे, गैरेट डायग्राम आर यूज टू, गाइस किस काम में आएगा जल्दी से बताइए, आर यूज टू, जल्दी से बताइए भैया, सभी लोग बताएंगे जी, तो आंसर आएगा डिजाइन चैनल्स, बहुत बढ़िया। अगला गाइस, हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज डिफाइन एज, क्या होता है? अगर ये सवाल भी नहीं बता पा रहे हो तो लोचा है फिर बहुत बड़ा, जल्दी से बताइए, सभी लोग बताएंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जल्दी से बताइए, तो आंसर क्या आएगा गाइस? सेकंड, बिल्कुल बेसिक लिखा हुआ है। अगला, वाटर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप इज इक्वल टू, आपको क्रॉप के लिए वाटर रिक्वायरमेंट बताना है भैया, कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भैया, आंसर क्या आएगा? तीसरा, कंजप्टिव यूज प्लस एप्लीकेशन लॉस प्लस स्पेशल नीड्स फॉर द लैंड गाइस प्रिपरेशंस ट्रांसप्लांटेशन, तो ये इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, ट्रैप इफिशियंसी ऑफ ए रिजर्वायर इज ए फंक्शन ऑफ, क्या होता है ट्रैप इफिशियंसी, जल्दी से बताइए, ट्रैप इफिशियंसी क्या होता है, जल्दी से बताइए, ट्रैप इफिशियंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, पूछो मत, तो आंसर क्या आएगा बी, बहुत बढ़िया, कैपेसिटी बाई इनफ्लो रेशियो, बहुत बढ़िया दिनेश, दिनेश इस सवाल का जवाब दे जल्दी से, जब मानो कि तू है बाजीराव सिंघम,
इसका जवाब दे जल्दी से मेरे भाई। इफ द फ्लड स्टार्ट, उड़ा दीजिए जाबाज सिकंदरों, बता जल्दी से इसका आंसर, बता दे वेटेड पेरीमीटर कितनी होगी। बिल्कुल आसान आंसर क्या आएगा, 285। बहुत बढ़िया, 4.75 रूट क्यू, 4.75 रूट 36, तो आंसर कितना आएगा 285 मीटर। बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नोट, गाइस नोट पूछ रहा है नोट, अब आराम से पढ़िए। स्प्रिंकलर लिमिटेशन ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, आराम से बताइए भैया, सभी लोग बताएंगे भैया। लिमिटेशन नहीं है, क्या नहीं है लिमिटेशन गाइस, लिमिटेशन नहीं है ये पूछ रहा है भैया, तो बताओ कौन सा लिमिटेशन नहीं है, कौन से में आएगा लिमिटेशन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा सी। क्यों ओनली सी, क्या है ये लिमिटेशन नहीं है, ये एडवांटेज है इसका, इट मिनिमाइज द इरोजन ऑफ द सोइल, तो ये क्या है एडवांटेज, और ये पूछा कि कौन सा लिमिटेशन नहीं है, तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये एडवांटेज। अगला सर, इन ए कैनाल साइफन टाइप क्रॉस ड्रेनेज वर्क, आंसर क्या आएगा गाइस जल्दी से बताइए भैया जी, जल्दी से बताइए भैया जी, जल्दी से बताइए। साइफन कब बनेगा यार, ये तो अभी तो पढ़ाया था आप लोगों को, तो कैनाल बेड इज बिलो द ड्रेन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल गाइस, द ड्रेनेज ऑफ रिजिड मॉड्यूल डिपेंड्स अपॉन गाइस, बिल्कुल आसान सवाल, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे भैया, डिपेंड्स अपॉन गाइस, बहुत बढ़िया, काफी लोग बता रहे हैं भैया, तो आंसर क्या आएगा, नाइदर द वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी और नोर द वाटर लेवल इन द वाटर कोर्स, वाटर कोर्स मतलब होता है गांव में जिसे धोरा बोलते हैं। अगला सवाल, सभी लोग बताएंगे भैया जी, बताओ भैया जी आंसर इसका, तो गाइस सभी लोग बताएंगे, तो आपको ग्रोस एरिया कितना दे रखा है, 6000 हेक्टेयर दे रखा है, तो 80% ऑफ लैंड इज गाइस क्लियर, और फिर 25% क्या दे रखा है, तो बिल्कुल लो, तो एरिया ऑफ इरिगेटेड कितना होगा, 0.25 इंटू 0.8 इंटू गाइस 6000, तो सीधा आ गया 1200 हेक्टेयर, ये तो सीधा सवाल है। अगला सवाल बताएंगे जल्दी से बताइए, नॉर्मल डेप्थ, तो नॉर्मल डेप्थ लिख के फिर इसका आंसर बताइए भैया, नॉर्मल डेप्थ लिख के फिर इसका आंसर बताइए जल्दी से, ये आप मेरे पीछे चल भी रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तो आंसर क्या आएगा, बहुत बढ़िया दिव्या, दिव्या तो भाई इंटेलिजेंट, तो आंसर क्या आएगा सेकंड बी। अगला सवाल मैच कर दो भैया इससे, कितना प्यारा सवाल है, कर दो मैच, लहरा दीजिए परचम, करो मैच भैया, करो मैच, करिए जी मैच, करो भैया, तो गाइज आंसर क्या आएगा सेकंड, गाइज जैसे आपने गाइज देखो कैनाल ड्रॉप कंट्रोल द बेड ग्रेड, गाइज आप आराम से कर सकते हो, कैनाल क्रॉस रेगुलेटर कंट्रोल द फ्लो डेप्थ, गाइज कंट्रोल द डिस्चार्ज, ये आंसर क्या आएगा गाइज, कैनाल गाइज आउटलेट, तो आंसर क्या आएगा सेकंड, बहुत बढ़िया। अगला बताएंगे, द सिल्ट लोड इन द स्ट्रीम डज नॉट डिपेंड अपॉन, बहुत ही अच्छा सवाल है, डज नॉट डिपेंड अपॉन गाइज, सभी लोग करेंगे भैया, अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे मजा आएगा ये बताओ, अगर आप करोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, और आंसर क्या आएगा फोर्थ अलाइनमेंट ऑफ डैम, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे भैया,
बहुत बढ़िया भैया। गाइस बताओ, कंसेप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग, सभी लोग बताएंगे भैया, यूजिंग द फॉलोइंग। तो आंसर क्या आएगा, कंसेप्टिव यूज और इफेक्टिव रेनफॉल, तो आंसर क्या आएगा सेकंड। बहुत बढ़िया। अगला सवाल गाइस, वाटर लॉगिंग अकर्स व्हेन द वाटर टेबल इज, व्हेन द वाटर टेबल इज, गाइस जल्दी से बताइए, व्हेन द वाटर टेबल इज, तो आंसर क्या आएगा अप टू रूट जोन ऑफ क्रॉप्स। बहुत बढ़िया। अगला सवाल गाइस, ये तो सभी लोग सही कर दीजिए, अगर ये भी सही नहीं करोगे तो फिर तो भैया हालत नाजुक है। ये तो सही कर दीजिए भैया, सभी लोग बताएंगे भैया, ये तो आप सब लोग सही कर दीजिए कम से कम। कर दीजिए भैया सभी, तो आंसर क्या है गाइस बी। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा गाइस, काफी लोग सही भी आंसर दे रहे हैं और कई तो मेरे भाई ऐसे ही कर रहे हैं आंसर। अगली पीडीएफ करो गाइस, सभी लोग करेंगे इसके आंसर। द यूनिट ऑफ ड्यूटी इज, यूनिट ऑफ ड्यूटी इज क्या होगा गाइस, सभी लोग बताएंगे भैया, यूनिट ऑफ ड्यूटी इज, ये तो बता दीजिए। 60 सवाल अपन कंप्लीट कर चुके हैं, 100 सवाल करवाऊंगा, तो आंसर क्या आएगा, हेक्टेयर पर क्यूब है। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ, जल्दी से बताइए भैया, सभी लोग बताएंगे भैया, एडवांटेज ऑफ गाइस ड्रिप का। बहुत बढ़िया, पहला बिल्कुल सही है गाइस, रिडक्शन इन सोयल गाइस इरोजन बिल्कुल सही है, तो पहला और तीसरा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ड्यूटी ऑफ द ग्राम इज, जल्दी से बताइए, आपको ड्यूटी बतानी है भैया, बता दो ड्यूटी, बता दीजिए भैया जी इनको भी ड्यूटी। तो आंसर क्या आएगा गाइस, देखो डी बराबर क्या होता है, 8.64 बी बाई डेल्टा, 8.64 बी कितना 18, डेल्टा है गाइस 0.12 मीटर में चेंज कर लिया, 1296 हेक्टेयर क्यूमैक आएगा। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा 4। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत, अब ये आराम से पढ़िए और आराम से दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं हो, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, डेफिनेशन लिखी हुई है, आपसे वैसे ही सवाल हो जाएगा। इन ए इरिगेशन सिस्टम, आराम से पढ़िए, देखो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर साइज यूनिट एरिया, बस यहां तक ही हो गया काम। बहुत बढ़िया दिव्या, तो आंसर क्या आएगा, चेक बेसिन में था, देखो ना आराम से लिखा है, लैंड वाज डिवाइडेड इनटू, ये कोई लैंड है, इसको आपने डिवाइडेड कर दिया गाइस, क्यारी सी बना, इसको बोलते हैं चेक। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताना है भैया, डिजाइन डिस्चार्ज बताओ, डिजाइन डिस्चार्ज कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा यार, बहुत ही उम्दा, डिजाइन डिस्चार्ज। तो गाइस बड़े प्यार से करेंगे, डिजाइन डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो, डिस्चार्ज रिक्वायर्ड इन द फील्ड, डिस्चार्ज रिक्वायर्ड इन द फील्ड बाय टाइम फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर, इनटू कैपेसिटी फैक्टर 0.9 इनटू 0.4 इंटू 0.5, ये आ गया 3 क्यूब। आसान सवाल है, सभी लोग इसका आंसर, इम्पोर्टेंट आता रहता है ये सवाल, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे भैया, जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, लिख के बताइए। जल्दी से बताइए भैया,
सभी लोग बताएंगे तो आंसर क्या आएगा, फ्री वाटर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताइए, फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोविंग द क्रॉप इज, पहला पानी आप गाय जल्दी से बताओ भैया, बीज बोने से पहले जो पानी दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं भैया, जल्दी से बताइए। तो हम उसको बोलते हैं भैया, हमारे गांव में तो पीलियो इरिगेशन बोलते हैं, मेरे गांव में इसको बोलते हैं पड़ाव, गांव की भाषा। अगला सवाल बताएंगे भैया, व्हाट इज द कन्वेंस इफिशियंसी, कन्वेंस इफिशियंसी बताइए, कन्वेंस इफिशियंसी बताइए भैया, कितना आसान है, कन्वेंस इफिशियंसी बताएंगे, एनसी बराबर क्या फॉर्मूला होता है गाइस, डब्ल्यू एफ बाई डब्ल्यू आर इंटू, सो डब्ल्यू एफ क्या होता है, वाटर डिलीवर टू द फील्ड, डब्ल्यू आर क्या होता है, वाटर डिलीवर फ्रॉम द रिजर्वायर। तो आराम से करिए, 0.8/2 इंटू 100, आंसर आएगा 40%। किसी भी सज्जन को कोई भी समस्या, किसी भी सज्जन को कोई भी भारी समस्या हुई है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सभी लोग डेफिनेशन अगला बताएंगे, व्हेन द क्रॉप ऑफ सम सीजन एक्सटेंड ओवर सम पीरियड ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप सीजन देन इट इज नोन एज, गाइज डेफिनेशन में लिखा हुआ, आप सवाल पढ़ेंगे आंसर वहीं मिल जाएगा। बहुत बढ़िया दिनेश कुमार जी, बहुत उम्दा लगे रहो, दिव्या त्रिपाठी भी, सिंह साहब कुर्बान, बहुत बढ़िया। तो क्या ओवरलैप कर गया, क्योंकि दूसरे वाले में चला गया तो ओवरलैप हो गया ना सर। आज के एनालिसिस कब होगा, मैं शाम को करवाऊंगा कुशाल, इवनिंग में एक साथ ही करवाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए रबी क्रॉप, इनमें कौन सी रबी क्रॉप नहीं है, कौन सी रबी क्रॉप नहीं है, जल्दी से बताइए यार, ये तो कर दीजिए अब, ये सवाल भी नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। तो आंसर क्या आएगा गाइस, ग्राउंडनट, क्लियर, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत। अगला सवाल, मोस्ट डिजायरेबल अलाइनमेंट ऑफ एन इरिगेशन कैनाल इज अलोंग, अगर ये सवाल बाबू गलत कर दिया तो गए काम से, फिर तो ठाकुर गया काम से, अगर ये सवाल भी गलत कर दिया। सभी लोग बताएंगे भैया, अगर ये सवाल भी गलत कर दिया तो गए कहां से, जल्दी से कर दीजिए सवाल सही। तो आंसर क्या आएगा, रिच कैनाल, बहुत ही उम्दा। अगला सवाल, ओहो बिल्कुल बेसिक पर स्टार लगा लीजिए, ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। तो आंसर क्या आएगा, सबको पता है DW, क्योंकि फील्ड की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो आपको पता है ड्यूटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी बस। तो आंसर क्या होगा गाइस, और बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, द रेशियो ऑफ मेन सप्लाई डिस्चार्ज, जल्दी से बताएंगे भैया, बहुत ही उम्दा यार, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप सारे, दिल खुश हो रहा है भैया, सभी लोग करेंगे भैया। तो आंसर क्या आएगा, कैपेसिटी फैक्टर। अगला सवाल गाइस, आराम से सभी लोग करिए, आराम से जवाब दीजिए भैया। तो गाइस जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ लाइनिंग, सभी लोग बताएंगे भैया, बहुत बढ़िया थी, बहुत ही उम्दा। अगला सवाल, द साइलेंट लिमिटेशन ऑफ एन अनलाइन कैनाल आर, ये तो वैसे ही कर दोगे, अनलाइन कैनाल आर लिमिटेशन पूछ रहा है भैया, लिमिटेशन पूछ रहा है भैया। तो आंसर क्या आएगा भैया, D, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, ये देखता हूँ कितने लोगों को याद है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर द वैल्यू ऑफ, देखता हूँ ये कितने लोगों को याद है, किसी को याद या ऐसे ही कर रहे हैं भैया टाइम पास, है किसी को याद, तो क्या आंसर आएगा भाई, B, बहुत
बहुत बढ़िया, जिसको भी याद था। अगला सवाल करिए, स्टार लगा लीजिए भैया, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत बेसिक सवाल है और एग्जाम में भर भर के आता है भैया, एग्जाम में भर भर के आता है। आपको एस गिवन है 0.65 है गैस, डी वाई बाई वाई भी आपको गिवन है 50% है। आपसे निकलवा क्या रहा है कि वेरिएशन इन कैनाल वाटर डेप्थ, यानी आपसे डी क्यू बाई क्यू निकलवा रहा है। निकालिए आराम से, एस बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई क्यू बराबर डी वाई बाई वाई। तो गैस ये 0.65 इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू निकालना है, ये 50 रहा, तो डी क्यू बाई क्यू बराबर यहाँ से 32.5% आ गया। तो वाट परसेंटेज वेरिएशन इन आउटलेट डिस्चार्ज, सॉरी आपसे आउटलेट डिस्चार्ज पूछा है ना, डेप्थ तो आपको गिवन है, वेरिएशन 50% तो आपको ये गिवन है ना डी वाई बाई, तो आपसे डिस्चार्ज पूछा यानी डी क्यू बाई क्यू पूछा, मैंने उल्टा बोल दिया था आई थिंक। अगला सवाल गाइस, सभी लोग बताएंगे भैया, जल्दी से बताएंगे भैया, तो इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग बताएगा आंसर दे रहे हैं, सभी लोग करेंगे भैया। हम आ रहे गाइस सभी के पास, आगे चलें। करो भैया अगला सवाल, फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ कैनाल लाइनिंग, जल्दी से बताइए गाइस। चलो मैं सबके कमेंट पढ़ लेता हूँ, कमेंट आ भी रहे हैं नहीं आ रहे, सभी लोग बताएंगे भैया, काफी लोग सवाल दे रहे हैं भैया। अगला सवाल कर दीजिए, लास्ट सवाल, उसके बाद गाइस ऑफ करते हैं सेशन को। तो गाइज जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोगों को गाइज, सभी लोग, क्योंकि अब लैपटॉप भी मेरा डिस्चार्ज हो चुका है तो लैपटॉप भी अब जाना ही पड़ेगा, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी गाइज, ठीक है दोस्तों।